बिल्कुल आपका राशियों का इंपैक्ट देखे। आज एक चीज मैं बताइए, मैं आपको आज किसी के चार्ट भी, एक मंगल है मान लीजिए, ये मार्स है, ये एक नंबर में भी बैठ सकता है, दो नंबर में भी बैठेगा, तीन में भी बैठेगा, चार में भी बैठेगा, कहीं भी आ सकता है, पांच में भी आ जाएगा। हर राशि के अंदर इस मंगल की प्रवृत्ति बदल रही है, हर राशि में, हर राशि के गुण ले रहा है ये, हर राशि के अंदर में अलग अलग बिहेव करेगा। किसी के चार्ट में मंगल कौन सी राशि में बैठा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल एक एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो है, बारम्बार ये एक एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो है, आपकी लाइफ की जो एनर्जी है, आपकी मेल एनर्जी है, आपका पुरुषत्व है, आज ये एनर्जी किस दिशा में जा रही है वो ये राशि बताएगी। आज यहाँ ये मंगल कमजोर है, वीक है, ये मंगल कमजोर है, ये मंगल कमजोर है, दिस इज वेरी पावरफुल, दिस इज वेरी पावरफुल, दिस इज वेरी पावरफुल। यहाँ भले ही ये एग्जॉल्टेड मंगल है, बट ये जो राशियां हैं ये बहुत बढ़िया मंगल की राशियां हैं, ये भी अच्छी है, वेरी गुड। सो ऑल फायरी साइंस आर गुड फॉर मास। हाँ माँ देखो ना, फायरी प्लेनेट है, फायरी साइन में बैठेगा, तो आप सोचिए ना कि कैसी एनर्जी जो है, और फिर पॉजिटिव साइंस है। ये मंगल का अपनी राशि है, ये मंगल के मित्र की राशि है, ये भी मंगल के मित्र की राशि है, मगर इनमें भी बिहेवियर अलग अलग होगा। 9 नंबर के अंदर मंगल की एनर्जी कहाँ जाएगी, जुपिटर की राशि है, यहाँ कहाँ जाएगी, सूर्य की राशि है, यहाँ कहाँ जाएगी, मंगल की अपनी राशि है। तो ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं, हमारे पास में सारी चीजें आएंगी, हम सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। जी जी बताइए, आप कुछ कहने हैं चतुर्वेदी सर? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, अगर ये मार्स एंड मून का कम्बिनेशन कैंसर में हो, स्कॉर्पियो में, तो क्या डिफरेंस होगा इसमें? डिफरेंट होगा। देखिए, स्कॉर्पियो के अंदर में मार्स मून जो है, वो मार्स वहां पर ज्यादा पावरफुल है, मून जो है वो डेबिलिटेड है। आज वहां पर जो कंजूसी है वो ज्यादा होगी, बजाय स्कॉर्पियो उसके कैंसर के, कैंसर के अंदर में फिर भी पैसा खर्च कर देगा आदमी, स्कॉर्पियो में नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन है जी सर, अगर जैसे कुंडलियां चलित में बहुत ज्यादा बदल जाती हैं कई, तो नहीं, फिर आप मत मत कंसिडर करो, तो चलित को कंसिडर नहीं करना है? ना ना ना, बिल्कुल भी मत करना, आपको इसी में फल बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। नहीं, मतलब जो अपन बेसिक D1 चार्ट ले रहे हैं, अगर हाँ D1 चार्ट बिल्कुल चेंज हो रहा है लगभग चलित वाला, तो चलित को देखें या D1 को देखें? आप D1 को ही देखिए, ओके सर, आप देखिए, मैं कहता हूं आप, हम तो अभी आप आएंगे, मैं आपको वहां तक लेकर के जाऊंगा कि जो D150 चार्ट पे जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम चंद्रकला नाड़ी का छोटा सा पार्ट आता है इसमें, हम उस पर बात करेंगे, मैं आपको मिनट्स पे भी लेके जाऊंगा कि आज शनि मान लीजिए किसी का 14 डिग्री 29 मिनट का है तो क्या फल होगा, और 14 डिग्री 12 मिनट का है तो क्या फल होगा, इनमें भी बदल जाएगा। आप मान करके चलिए 14 डिग्री 23 मिनट का है तो अलग फल होगा, 14 डिग्री 25 मिनट का है तो अलग फल होगा, ओके सर। मैं इतने पर भी बताने वाला हूं। मार्स और मून का कॉम्बिनेशन जेमिनी में कैसा रहता है? जेमिनाई में तो देखो जी, मून तो फिर भी ठीक है, मगर मार्स बड़ा कमजोर है। आप सोचिए, देखिए, मैं आप, क्योंकि अभी मैं उस टॉपिक से हट रहा हूं, मगर इंटरेस्टिंग चल रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, किसी भी 3 नंबर राशि की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? आप सोचिए, यहाँ ये 4 नंबर राशि है, मैंने अभी कहा था आपसे कि प्लान एंड एक्शन। आप सोचिए, इस मंगल को यहाँ गड्ढे में गिरना है। अब यहाँ मंगल की पोजीशन कैसी होगी, आप विश्वास मानिए, 3 नंबर में, एक तो ये एनिमी साइन में बैठा है, मरकरी की राशि, पक्के एनिमी है मरकरी और मार्स, ठीक है? और दूसरा उसे पता है, एक तो बैठा दुश्मन के घर में, और दूसरा उसे पता है कि आगे निकलूंगा तो गड्ढा है मेरे, मुझे उसमें गिरना है। इसमें ज्यादा कमजोर है, बजाय इसके यहां से पता है उसे निकल करके मुझे अपने मित्र के घर जाना है, मगर यहां से तो उसे पता है ना मुझे गड्ढे में गिरना है,
तो ऐसे में मंगल 3 नंबर में ज्यादा कमजोर है बजाय 4 नंबर के। सर तो यहाँ पे वो खर्चा करेगा, यहां पर उसकी देखो मून का कनेक्शन नहीं आ रहा ना, यहां पर कर देगा, यहां पर मंगल कमजोर है ना, रोक नहीं पाएगा ना चंद्रमा, चंद्रमा अपने घर का है, यहां नहीं रोक पाएगा, यहां पावरलेस है मार्स। सपोज 4 नंबर में सन बैठा हो तो, हाँ तो ताकत मिल गई, ये स्थिति बदल गई। आप देखिए बहुत बढ़िया आप लोग सवाल पूछ रहे हैं और यही प्रिडिक्शन है। देखिए रूल्स रूल्स तो चलते रहेंगे, ये मार्स बैठ गया और ये सन बैठ गया, यहां पर मंगल जो है दुगनी चौगनी ताकत का हो गया, हालांकि मून भी पावरफुल है, सन के बैठने से मून कमजोर नहीं है, मगर मार्स को ताकत मिल गई, 100% पावरफुल है। देखिए कोई भी यहां पर तो छोड़िए, यहां पर भी अब आज यहां पर भी आ जाइए आप, ये 3 नंबर राशि भी हो सपोज करिए और ये मार्स और सन का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर मार्स जो है वो बहुत पावरफुल है, पावरफुल है। आप हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी मुश्किल में पड़े हैं, आप किसी परेशानी में पड़े हैं और आपका मित्र आपके साथ में है, तो आपकी दुगनी चौगनी ताकत हो जाती है। तो ऐसे में ये भले ही यहां पर दुश्मन की राशि में बैठा, मगर मित्र साथ बैठा है, निमट लेंगे मरकरी से, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी जी, जैसे आपने अभी बताया था, जो आपने पिछली बार मंगल का बताया था लगन में और 5 नंबर और 9 नंबर में, तो वो राशि में था लगन उसमें था राशि आप... राशि यार मैं लगन को लेता ही नहीं हूँ। तो सर जैसे भी... अगर अगर मंगल जैसे मंगल की अच्छा जैसे मंगल की राशि 8वीं भी होती है, हाँ तो हो 8वीं भी, हम कम मना थोड़ी कर रहे हैं, मगर 8वीं में उतना मजबूत नहीं है मंगल जितना वो वाटरी साइन है, आप सोचिए तो सही, फायरी प्लैनेट को वाटर में डाल रहे हैं आप। और अगर सूर्य उसके साथ हो उस टाइम, सर अगर सन उसके साथ हो, किसके साथ, सन हो साथ में तो मंगल के साथ हो जाएगा। अच्छा आप सोचिए तो देखो ना, आप इमेजिन करिए पोजीशन, ऐसे नहीं, आप एक चीज सिंपल सी मानिए, 8 नंबर राशि जो है वो वाटरी साइन, यहाँ पर आप फायरी प्लेनेट को डाल रहे हैं और यहाँ पर एक फायरी प्लेनेट को डाल रहे हैं, आप मुझे बताइए कहाँ पर मजबूत है। हाँ जी लग, 1 नंबर में, 1 नंबर। सवाल आप ही जवाब दे सकते हैं, आपको मालूम है कि आप क्या पूछ रहे हैं, और मैं तो सिंपल से लॉजिक बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ हर चीज को मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि आप खुद समझिए चीजों को। सर स्कॉर्पियो भी तो मंगल का ही नेगेटिव साइन है ना। बिल्कुल स्कॉर्पियो साइन मंगल का है, हम मना नहीं कर रहे स्कॉर्पियो साइन मंगल का नहीं, मगर मंगल यहाँ ज्यादा पावरफुल, तो यहाँ पे मंगल एग्रेशन देगा और यहाँ 8 में उसको क्रिएटिव बनाएगा, दैट विल बी द डिफरेंस। आप नहीं देखे ना क्या होता है मंगल की, आज मैंने फिर बताया पावर है एक, मान लीजिए एक एनर्जी है, यहाँ एनर्जी किस चीज में यूज होगी आप बताइए, 8 नंबर राशि किस चीज की है, वाटरी राशि है, वाटरी है। देखो एक तो फायरी प्लेनेट है, वाटरी साइन में चला गया, भले ही उसकी अपनी राशि है, मगर उसकी पावर जो है ना, आज मान लीजिए आप मंगल से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आप अगर मंगल से चाहते हैं कि मेरे अंदर पैशन आए, मेरे अंदर एक फायर आए, वो नहीं आएगी यहाँ पर, आप बिल्कुल मान करके चलिए, आज जो मंगल ये दे देगा पैशन और फायर आपके अंदर में किसी भी क्रिएटिविटी को करने के लिए, ये कभी जिंदगी में नहीं दे सकता। सर जी आपने बताया कि मार्स के साथ अगर सन हो तो ये पावरफुल हो जाता है, हाँ। तो वही सर साथ में अगर सैटर्न हो सन की बजाय, अरे यार खराब कर देगा मंगल को बुरी तरीके से। और सैटर्न सर खुद वेरी वेरी बैड एनिमीज एनिमीज। अच्छा सिर्फ एक ही चीज के लिए ये अच्छी है जी, इंजीनियरिंग बस, मशीन के रिलेटेड है, इंडस्ट्री है, टेक्निकल है, स्किल्स है उसके लिए ठीक है। सर अगर मंगल के साथ यहाँ केतु बैठ जाए,
मंगल के साथ स्कॉर्पियो में अगर केतु बैठ जाए और खराब। अच्छा आप देखो, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं, आप मैं इस चीज को बार बार रिपीट करूंगा, आपने कोर्स में हो सकता है हजार बार रिपीट करूं, पावर ऑफ प्लेनेट को जरूर देखिए। आप किससे कैसा फल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज आठ नंबर वाले मंगल से वो चीज नहीं मांग सकते जो आप एक नंबर वाले से मांग लेंगे, पांच नंबर वाला भी दे देगा, नौ नंबर वाला भी दे देगा, पांच नंबर का मंगल भी बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायरी साइन में है ना, देखिए तो सही, एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है राशि में, तभी तो कहता हूँ नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर में राशियों को देखा ही नहीं गया, जबकि असली काम तो ये राशियां कर रही हैं। भाव का क्या है मुझे एक बात बताइए, आज असेंडेंट आपका एक डिग्री पे बैठा है, आपको मालूम है ये असेंडेंट ठीक है, या यहाँ पर 28 डिग्री 29 डिग्री का बैठा है, आप नहीं जानते ये ठीक है या नहीं, कितने बीटीआर करते रहो सारी कुंडली बदल जाएगी एक मिनट, ये राशियां नहीं बदलेंगी, एक महीने बैठा है, डेढ़ महीना मंगल इसी राशि, कहां जाएगा यहां से निकल के। तो बेसिकली देखिए जो बेसिक कंसेप्ट है इस बीएनएन का वो ये है कि फल इन्होंने ही देने हैं, हम भाव के लॉर्ड बना रहे हैं, कौन से भाव से बना दिया, कौन से, कुछ नहीं मिलता, ये मैं जो बता रहा हूं आपको टोटल जो बता रहा हूं प्रिडिक्शंस बता रहा हूं, टोटल चीजें वो बता रहा हूं जो लॉजिक वाली है, आप खुद जानते हैं, आप खुद जवाब दे रहे हैं, मैं नहीं जवाब दे, आप खुद बता रहे हैं कहाँ पे पावरफुल है कहाँ पर नहीं है, और ये सभी प्लैनेट्स के साथ एप्लीकेबल है, खाली एक प्लैनेट के साथ एप्लीकेबल नहीं, हम तो मंगल पे थे तो मंगल पे चले गए, सभी प्लैनेट्स के साथ में एप्लीकेबल, सबके अंदर पावर है, कहाँ पर पावरफुल है कहाँ पर पावरलेस है, मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिए, मैंने आपको एनिमीज बता दिए, आप खुद लगाइए आराम से, ये डायरेक्शनल चार्ट बनाना बता दिया, कहां से सपोर्ट मिलेगी किसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, यू कैन स्टार्ट योर प्रेडिक्शंस राइट अवे। सर एक क्वेरी, सर एक मेरा क्वेरी था, हाँ बोलिए, आप जैसे बोल रहे हैं कि मतलब सन सन मार्स एक साथ हुआ तो वो मार्स को स्ट्रेंथ मिल जाएगा और उसके बाद हम उसका राशि देखेंगे, तो मान लीजिए चार नंबर हुआ तो वहां पे जैसे मार्स वीक है लेकिन अगर सन होगा तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, सपोज कीजिए टेंथ मतलब कैप्रिकॉन में मार्स है, कैप्रिकॉन मार्स उच्च का हो गया और उसके साथ सैटर्न आ जाता है तो वो तो सैटर्न का खुद का राशि हो गया, उस केस में क्या करेंगे सर, उसके केस के अंदर भी मंगल कमजोर है, बट वो तो उच्च का बैठा है, देखो एक चीज मान करके चलिए, आज कितना भी प्लेनेट उच्च का बैठा हो, आज इस मार्स, चलो शनि को तो छोड़ दो, शनि का तो अपना घर है, यहां पर इसके साथ मरकरी को ही बिठा दो, आज कितना भी बड़ा पहलवान हो उसके साथ में चूहे को ही छोड़ दो, उस पहलवान की सारी ताकत झेल जाएगा, वो चूहे कर देगा उसको परेशान, आज कितना भी पावरफुल प्लेनेट हो आप अगर एनिमी के साथ बैठा है तो उसकी जो पावर है वो खराब हो जाए। सर अगर सन की बजाय जुपिटर के संग होगा तो भी पावरफुल हो जाएगा, तब भी पावरफुल, देखो चार नंबर में तो जुपिटर वैसे ही एग्जॉल्टेड हो जाता है पावर, पर सर डेब्लिटेटेड हो जाता है ना मंगल, तो मंगल डेब्लिटेटेड हो जाए मगर यहाँ मंगल स्ट्रांग हो गया जुपिटर के साथ बैठ, लेकिन सर मार्स की डिग्री ज्यादा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, सपोज वो 25 डिग्री, वो देखिए डिग्रियों पे मैं आऊंगा, डिग्रियों के अपने फल है, मगर ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज सफिशिएंटली गुड फॉर बीइंग अ मार्स टू बी इन अ गुड पोजीशन। सर इसका मतलब ये है कि जैसे कि मार्स अगर मतलब एग्जॉल्टेड होने के बाद भी अगर मतलब ये उसके साथ बैठने वाले प्लैनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज अच्छा चलिए मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर ये सूर्य एग्जॉल्टेड है, यहाँ पर ये शनि है, अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन ताकतवर है कौन नहीं। सर ये तो दोनों हो गए, दोनों खराब हो गए, दोनों खराब हो गए, सही बात है। क्यों
क्योंकि सर सैटर्न इसका एक दूसरे के ये इनिमीज है। हाँ मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ, जहां पर भी अगर ऐसी पोजीशन होती है तो ऐसे में प्लेनेट की ताकत खत्म हो जाती है, डेबिलिटेशन का इफेक्ट देते हैं। हाँ खराब हो गए। मैंने बताया ना चार चार प्लेनेट एग्जॉल्टेड बैठे हैं और जिंदगी नॉर्मल सी जी रहा है, समझ लो धक्के ही खा रहा है। क्या करेंगे एग्जॉल्टेड प्लेनेट, आज ये भी छोड़ दो चलो। कोई प्लेनेट नहीं है, किसी काम का एग्जॉल्टेशन नहीं है, बेकार यूजलेस। नो सपोर्ट, नो सपोर्ट, यूजलेस, कुछ नहीं करेगा, कोई नई गेम मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा इसे, यूजलेस है। लेकिन ट्राइन में हो तो, ट्राइन में कोई हो तो सपोर्ट, तब ठीक ठीक है, सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। ट्राइन में हो जाए ठीक है, ये समझ लो कि हाँ डूबते को तिनके का सहारा, बस इससे ज्यादा नहीं। आप यही मैं पढ़ाने वाला हूं कि प्लेनेट की ताकत को समझो। आज कोई भी प्लेनेट फल तभी देगा जब वो पावरफुल होगा, ये बेसिक कंसेप्ट है इस बीएमएम का। पावर, अकॉर्डिंग टू यू ऑल द प्लैनेट्स इन द चार्ट आर अफेक्टिंग एवरी अदर प्लैनेट, क्योंकि yes, वो yes, कहां से आया, कहां गया और उसको। हाँ, हाँ, यही चल रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग चल ही सिर्फ यही रहा है। हम लोग इसको पकड़ना नहीं जानते, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, जो प्लैनेट कहां से चल करके किससे मिलेगा, क्या फल देने वाला है, बहुत सिंपल है। आज मैं छोटी सी बात पूछता हूं आपसे, क्या होगा ये क्या होंगे साइनस के फल? लॉस ऑफ मनी सर। लॉस ऑफ मनी नहीं, मेल चार्ट के अंदर शादी खत्म, लॉस ऑफ मैरिज, हाँ गई, इधर शादी हुई उधर गई। सो व्हाई? आप सोचिए, एक वाइफ है, मैं आपको बताता हूँ इसका कारण। देखो मैं हालांकि अभी टॉपिक से बिल्कुल हटा हुआ हूँ, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन। ये वीनस क्या है? मेल चार्ट में वाइफ है, ये केतु है। जैसे ही एक किसी मेल की शादी होती है, ये वीनस जो है ये चलना शुरू कर देता है।